किसानों ने अपने खेतों से काटे गए मिट्टी और फसलों की मुआवजा के लिए प्रदर्शन कर पुतला जलाया। भाकपा माले। न्यूज 9 टाइम्स। बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बैरिया प्रखंड के गदियानी से बलुआ टोला तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत हो रहे कार्य में अभियंताओं और संवेदक के मेल से जबरन मिट्टी काटने पर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बेतिया द्वारा मिट्टी भरवाने के बाद कार्य शुरू करने की बात को अनदेखी कर संवेदक द्वारा काम शुरू कर GSB मानक के विपरीत कार्य करने को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले ने सिरिसिया के जनता बाजार चौक पर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता बेतिया का पुतला फूंक कर विरोध जताया और मांग किया कि जिला प्रशासन इसका संज्ञान लेते हुए किसानों के खेतों से जबरन काटे गए मिट्टी को अविलंब भरवाए। उक्त अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा कि सरकार बदली पर भाजपाई मानसिकता के अधिकारियों के रवैये में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में ग्रामीण कार्य विभाग बेतिया के कार्यपालक अभियंता सांसद संजय जायसवाल के दबाव में संवेदक को बचाने में लगे हैं। किसानों के खेतों से जबरन काटे गए मिट्टी को भरवाए बगैर काम शुरू कर दिया गया है। संवेदक अविलंब किसानों के खेतों में मिट्टी भरवाए और उनके फसलों का मुआवजा दे, नहीं तो किसान महासभा और भाकपा माले किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मौके पर उपस्थित माले नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि संवेदक किसानों के मिट्टी को काटा ही और अब निर्माण कार्य में भी विभागीय अधिकारियों के मेल से मानक की अनदेखी कर रहा है। संवेदक सिसवा सरैया में भी रोड व पुलिया निर्माण घटिया कराया है, पर विभागीय अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। किसान लक्ष्मी चौधरी ने कहा कि जब तक मिट्टी भराई और काटे गए हमारे फसलों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तब तक हम आंदोलन करेंगे। किसान अली मोहम्मद गद्दी ने कहा कि संवेदक और उसके दलालों द्वारा किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, लोभ लालच दिया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, अपने हक को लेकर रहेंगे। किसान मिन्हाज आलम ने कहा कि किसानों को उनके मिट्टी को संवेदक अविलंब भरवाए और रोड निर्माण में गड़बड़ी को ठीक करे। मौके पर राजेंद्र शर्मा, देवेंद्र सिंह, भूलन प्रसाद, शंभू प्रसाद, बुनीलाल प्रसाद, यशवंत कुमार, महेंद्र महतो, लाल बाबू यादव, नगीना चौधरी, अयोध्या सिंह, विजय प्रसाद, ननकिशोर पंडित, विनोद प्रसाद आदि मौजूद थे। न्यूज 9 टाइम्स। पालक अभियंता का पुतला जलाया गया है और इसका मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री फेज 3 के तहत गदियानी से बलुआ टोला तक सड़क निर्माण हो रहा है। इसमें 100% मिट्टी कैरेज का है, किंतु कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और ठेकेदार के मिली भगत से किसानों के खेत से जबरन मिट्टी काट लिया गया है, गड्ढा बना दिया गया है। और जब इसका कंप्लेंट किया गया कि भाई इस पर कार्रवाई करें, तो कार्यपालक अभियंता लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि मिट्टी भरवाएंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि मिट्टी नहीं भरवा करके ठेकेदार जबरन काम करा रहा है। उसमें भी गिट्टी का जो मात्रा मिलना चाहिए, आपको डस्ट देना चाहिए, वह कुछ नहीं दिया जा रहा है। GST में 75% आपको मिट्टी दिया जा रहा है, 25-30% आपको गिट्टी दिया जा रहा है। तो हम लोग मांग किए हैं कि किसानों के खेतों से काटे गए मिट्टी को अविलंब भरवाया जाए, दोषी अभियंता और आपको संवेदक पर कार्रवाई किया जाए और जो गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बन रहा है इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। इसी के लिए आज का यह पुतला दहन है। आने वाले दिनों में इस अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ी लड़ाई लड़ा जाएगा किसान महासभा और भाकपा माले के नेतृत्व। इसके बारे में अभियंता से कोई बात हुई? हाँ, कार्यपालक अभियंता लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि हम मिट्टी भरवा देंगे। संवेदक को कहा गया है मिट्टी भरवाने के लिए, लेकिन अभी तक 3 माह बीत गए, अभी तक मिट्टी नहीं भरवाया गया। इसलिए आक्रोशित किसानों ने आज कार्यपालक, जिसमें मिट्टी कैरेज का है लेकिन कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और या संवेदक के मिली भगत से किसानों के खेत से 15-16 फीट चौड़ा और 4-5 फीट गहरा मिट्टी जबरन डरा धमका कर काट लिया गया। और कार्यपालक अभियंता ने कहा
कि जब तक मिट्टी नहीं भराएगा कार्य नहीं शुरू कराएंगे, लेकिन किसानों का मिट्टी अब तक नहीं भरा गया और कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य कराने के क्रम में मिट्टी की रोड की जो गुणवत्ता है GSB जो हो रहा है उसमें 75% गिट्टी और 25% बालू देना है, लेकिन मात्र 30% गिट्टी और 75% मिट्टी दे करके यह रोड बनाया जा रहा है जो तुरंत टूट जाएगा। और इस लिहाज से आज यहाँ के किसान किसान महासभा के नेतृत्व में भाकपा माले के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं कि कार्यपालक अभियंता अविलंब किसानों के खेतों से काटे गए मिट्टी भरवाएं और निर्माण जो घटिया हुआ है उस पर रोक लगाते हुए संवेदक पर कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई की जाएगी। और आज कार्यपालक अभियंता का पुतला जलाया जा रहा है। निर्गत है आपको जो है मिट्टी के एवज में, लेकिन किसानों को जबरन जो है छाफा दे करके धमका करके और जो है उनके खेतों का फसल, उनका बाँस, उनका गन्ना फोड़ करके जो है अब नहर जो बन रहा, नहर के ऊपर जो सड़क बन रहा है प्रधानमंत्री फेज 3 से सड़क उस पर जो है मिट्टी डाल लिया, और जबकि उसको मिट्टी खरीदना था मिट्टी नहीं खरीद के डाला, और अभी जो सड़क बना रहा है वह उस पर सड़क जो है एकदम जो है GSB जो करना है उसमें बड़ा पत्थर डाल करके उसमें मिट्टी डाल करके कर रहा है, भारी गोलमाल कर रहा है, और बिना किसानों को मुआवजा दिए वह जो है पुनः काम जो है संजय जायसवाल के इशारे पर जो यहाँ के MP हैं उनके इशारे पर वह शुरू कर दिया है। यह जो है यह संजय जायसवाल की भी उसमें मिली भगत है, इन पर भी उनके मिली भगत के आवाज में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको हम कहना चाहते हैं।